आप लोग को बना जा रहा हूँ कि दिखाने के लिए फ्राई आइसक्रीम कैसा बना था, उसका प्रोसेस क्या है बोल के आप लोग अच्छे से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ कि आइस क्यूब का जो इस क्यूब है उसको निकाल के क्या है कि फ्रिज में फिर आधा घंटा जैसे रखना पड़ रहा, ताकि क्या है कि उसका जो स्टोन बन होता है ना, स्टोन बन जो होता है वो होने से क्या होता है कि जल्दी पिघलता नहीं आइसक्रीम, इसीलिए। अब मैं आइसक्रीम को उसका स्क्यू अच्छे से गोल गोल करके निकाल रहा हूँ, ताकि क्या होता है कि उसको वो बाद में फ्राई करने के बाद भी आइसक्रीम नहीं पिघलेगा। अब मैंने पहले से भी बना के रखा था, एक ही 2 घंटा पहले मैं किया था, उसके बाद इसको कोटिंग करके फिर वो किया आप लोगों को दिखाने के लिए। और एक मैं स्क्यू ले रहा हूँ ताकि इसको आधा घंटा होने के बाद फिर से मैं आपको इसको कैसे कोटिंग करना चाहता हूँ ना वो दिखाऊंगा। तो आप लोग को दिखाने के लिए मैंने एक स्क्रू वो किया है, इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ूंगा आधा घंटा तक, ताकि इसका जो स्टोन पन है वो अच्छा रहेगा, और आगे प्रोसेस में कैसा रहेगा, कोटिंग कैसा करना मैं आप लोगों को दिखाएगा, और फ्राई होने के बाद भी आप लोगों को दिखाएगा। हाँ दोस्त लोग, जो कि मैंने आधा घंटा पहले जो किया था उसको अभी हम कोटिंग कर रहे हैं, कोटिंग करने के बाद हम फिर दोबारा डीप फ्रिज में डालते हैं, ताकि क्या होता है कि उसको अच्छे से कोटिंग बराबर हुआ तो फिर फ्राई करने के टाइम नहीं पिघलता है, मेल्ट नहीं होता है। ये है ब्रेड क्रम्ब, और इसमें पहले भी मैंने करने का टाइम किया था, ये कॉर्नफ्लेक्स है और ब्रेड क्रम्ब मिक्स किया हुआ है, ताकि कॉर्नफ्लेक्स से थोड़ा क्रिस्पी होता है और ब्रेड क्रम्ब से भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो कोटिंग होने के बाद फिर मैं डबल कोटिंग कर रहा हूँ। डबल कोटिंग करने से ये फायदा है कि हमको क्यों दोबारा फटक से पिघल के बाहर नहीं आता है। मैं फिर इसको अंदर रख रहा हूँ उस पर सिल्वर फॉइल में इसे वो करके, तो आधा घंटा के बाद में फिर मैं इसको फ्राई करूँगा। और एक में कर रहा हूँ, दोस्तों देख सकते हैं मैं और एक भी कर रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा वीडियो के लिए आसान हो जाए, 2-3 करेगा तो क्या होगी पता चलता है कि हाँ आइसक्रीम सही में फ्राई कर पाए बोल के। कॉर्नफ्लेक्स लगाया तो अच्छा क्रिस्पी होता है बाहर, और मैं डबल कोटिंग कर रहा हूँ इसीलिए कि दोबारा आइसक्रीम फट के बाहर नहीं आता, यानी कि मेल्ट नहीं होता है। वीडियो में बने रहेगा आप लोग, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, और कमेंट करके बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी और नया नया कुछ बनाने के लिए अच्छा लगता है। दोस्तों अभी हम लोग जो फ्राई करने के लिए फ्राई आइसक्रीम के लिए रेडी किया था वो अभी फ्राई करने जा रहा है, और आप लोग को दिखाऊंगा फ्राई करके, और आप उसका फिनिशिंग कैसे रहेगा, उसका गार्निश कैसे करना है वो आपको भी आप लोग को दिखाऊंगा, देखिएगा लास्ट तक वीडियो। इसको अभी मैं फ्राई करने के लेके जा रहा हूँ, इसको मैं फ्राई करता हूँ। Thank you.